से नंबर बता दूंगा कि यहाँ नंबर। पहले ये चीज चेकआउट कीजिए। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये शिशिर का Z900 का ये ड्राइंग बनाया है, जिसमें ये लिखा हुआ है 2 शिशिर भैया फ्रॉम थंडर गेमिंग। तो भाई खत्म करने वाले हैं, और बाकी क्या आने वाला है? बाकी भाई हमारे पास बहुत ही जल्द लीटर क्लास आने वाली है, क्योंकि अभी मिस मास को बहुत प्यारा फ्लाई भाई था यार। ओ भाई फैंस मिलते हुए सब्सक्राइबर्स, मतलब यार इस तरीके से राइड मैं बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ। एक्चुअली जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी थोड़ी, तो उस टाइम पे मेरे को बेड रेस्ट बोल दिया गया था 5 दिनों के लिए, और थोड़ा सा मैं भी प्रिकॉशन ले रहा था तो मैं बाइक राइड नहीं कर रहा था। बट गाइस अभी मैं पूरे तरीके से सही हो चुका हूँ, अब कोई भी पेन नहीं है। और भाई वो हो गया था एक्चुअली, जैसा आपको पता है कि अभी घर पर कोई है नहीं, तो मैं कपड़ा कुछ ज़्यादा साफ़ कर लिया था, इसी वजह से मेरे मसल्स टीयर हो गई थी लेफ्ट साइड स्टोमक में। तो अभी सब कुछ सॉर्ट आउट है भाई, सब कुछ सॉर्टेड है, सब सही है। तो अपन पूरे मस्ती में पूरे इंजॉय करते हुए भाई राइड कर रहे हैं। और ये सुनो भाई, ये सुनो ऐसा कुछ भाई, लोग मुड़ मुड़ के रिएक्शन दे रहे हैं। ओ भाई ये रिएक्शन प्यारा था, मतलब ये चीज़ तो आपको मिलते रहना है भाई, जब आप सुपर बाइक लेके निकलोगे यार तो रिएक्शन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये ब्लॉग कितना बड़ा बनता चला जाएगा ये मेरे को भी नहीं पता। आप ही लोग शिकायत कर रहे थे कि ब्लॉग छोटे आ रहे हैं, और भाई मेरे को एक चीज़ और दिखाना है जो अपने एक भाई सिद्धार्थ ने हमें एक दिया, सिद्धार्थ ने हमें एक ड्राइंग बना के दिया है। वो किस चीज़ की ड्राइंग है मैं कहीं पर रुकता हूँ तो वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा बनाया है भाई ने, और मैंने उससे पूछा भी था कि उसकी कोई इंस्टा आईडी नहीं है, तो भाई का यूट्यूब चैनल का नाम भी है, तो जहाँ पे मैं आपको वो ड्राइंग दिखाऊंगा उसी जगह पे मैं उसके यूट्यूब चैनल का नाम भी बताऊंगा, क्योंकि भाई का ड्राइंग भी यार रियली बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बाकी बातें मैं ड्राइंग दिखाने के बाद ही करूँगा आपसे उससे रिलेटेड। सो गाइस जिस फोटो के बारे में मैं बता रहा था कि एक अपना सब्सक्राइबर बोलो या फिर अपना जेरी फैमिली का मेंबर बोलो, जिसने बनाया था हमारे लिए एक ड्राइंग बना के रख दिया था, और कहाँ रखा था मैं आपको बताता हूँ, शिशिर के घर पे उसके Z900 के ऊपर रखा था। और भाई उस लड़के का नाम सिद्धार्थ है, और उसने कमेंट भी कर रखा है हमारे ब्लॉग पे, तो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ कितना प्यारा उसने ड्राइंग बना रखा है। ये देखो गाइस, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये शिशिर का Z900 का ये ड्राइंग बनाया है, जिसमें ये लिखा हुआ है 2 शिशिर भैया फ्रॉम थंडर गेमिंग। तो भाई का जो यूट्यूब चैनल का नाम मैं बताने वाला था उसका नाम है थंडर गेमिंग के नाम से भाई का चैनल है। और भाई देख लो कितना प्यारा ये पेंटिंग है Z900 का। और भाई एक ये हो गया और दूसरा एक ये इधर जेड सरकार 2 शिशिर भैया, और जो हम लोगों ने बाइक का नाम रखा उसे भी यहाँ मेंशन किया गया है सरकार। और भाई ये देखो, ये भी अल्टीमेट है, ये अपनी जेरी, और भाई यहाँ पे निंजा कावासाकी, और भाई ने यहाँ पे देख लो यहाँ पे बिहारी बाइकर का जो यूट्यूब का मैंने लोगो लगा रखा है वो भी उसने दे दिया है, और निंजा बिहारी बाइकर जेरी डियर बिहारी बाइकर वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। भाई यही वो चीज़ है जिससे कि हमें अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, मतलब कुछ लोग देखते हैं खुश होते हैं, मतलब किसी के अंदर इतनी खुशी होती है कि मतलब ये सब चीज़ हमारे लिए करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे अभी शिशिर भी है, तो गाइस यहाँ शिशिर भी है, और शिशिर भी बहुत ज्यादा मतलब अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया। हाँ मतलब ये भी हमें, हम लोग का बात हो रहा था कल, बात हो रहा था, सो गाइस कल हमारा बात हो रहा था फोन पे, जब इसने बताया कि किसी ने ये बाइक पे रख के चला गया है कोई, तो बोले कि हाँ मेरे को ब्लॉग पे कमेंट भी आया था, भाई बताया था कि वो रख के गया है, तो सिद्धार्थ ने रखे गया ये हमें पता था। तो थैंक यू सिद्धार्थ, ये ड्राइंग के लिए बहुत ही प्यारा है। थैंक यू भाई तरफ से भी। और गाइस बाकी आगे का ब्लॉग आप एंजॉय करो। और टुवार्ड्स अटल पथ, मतलब अभी वाला शोर यार, अभी वाला शोर आप एंजॉय करोगे, सच बता रहा हूँ अभी वाला शोर एंजॉय करोगे यार, लिटरली बहुत मजा आने वाला है। तो भाई जो म्यूजिक आने वाली है, लेट्स गेट रेडी फॉर द साउंड। मैं कह सकता हूँ अपने स्मिथ भाई मिस कर रहे होंगे अपने गॉडजिला को, और भाई तो अपना सरकार लेके निकला हुआ है, और अपन जेरी पे, ओ भाई क्लोज कॉल्स। तो अब प्यारे प्यारे फ्लाई भाई मिलने वाले हैं हमें इधर, ये तो डन है, क्योंकि हम लोग अटल पथ आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग इंजन को जो है खोल सकते हैं, रेप कर सकते हैं, बाइक थोड़ा भगा सकते हैं, लिटरली मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो थोड़ा आपको
क्लियर मिलेगा, ट्रैफिक बहुत कम मिलने वाला है। तो अभी जो साउंड का मजा है वो मजा आने वाला है अभी। और निकल गई, ठीक है भाई कोई नहीं, हमें रेस नहीं करना, बस हम लोग अपने फन के लिए चल रहे हैं तो बस एंजॉय करेंगे। और बाकी सिसिर तो पीछे रह गए भाई साहब, फ्लाई बाई मिलने वाला है। तो भाई अभी ये सुनो, देख रहे यार R15 वाला चार्ज होता है, मतलब ये साउंड सुनने वालों, जो भी सुपर बाइक लवर हो उसके लिए तो ये म्यूजिक है यार, लिटरली ये जो साउंड आ रहा है ना इतना प्यारा है ना, इतना सूदिंग है। और मैं यही कहना चाहता हूं, ये देखो ये, इसलिए मैं हैंडल छोड़ के तो मैं नहीं चल सकता भाई साहब, ये जो हिलता है ना इसका हैंडल जो बोवेल करता है, ये नहीं हो सकता इस वहां छोड़ के। और उधर देखो बताया जा रहा है कि विली मारने के लिए, वो नहीं होने वाला भाई वो चीज नहीं होगा ओ वो फीलिंग आ रहा है अंदर, मैं समझ सकता हूँ अंदर में जो फील आ रहा होगा ना ओ भाई मैं कह ही रहा था कि वो मिस कर रहा हूँ अपने गॉडजिला को, और लिटरली मतलब उन्होंने बता ही दिया कि उनका मन हो चुका है कि थोड़ी विली मारी जाए। और गाइस एक छोटा सा अपडेट है, अगर आप अटल पथ पे आते हो तो मैं अभी आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने आया था तो मैंने देखा था यहाँ पे चार ब्रेकर लगा दिए गए हैं टर्निंग पे। आज स्मित भाई आरसी पे, आज मैं भगा दिया पकड़ के पूरा अपनी बाइक को ओ भाई आज भगा दिया भाई, खोल दिया बाइक को आगे ब्रेकर है, चार ब्रेकर है। भाई अपने सुमित भाई भी यही बता रहे हैं कि आगे चार ब्रेकर जो बन गए ये नहीं, तो आप लोग जब भी इस तरफ आते हो अटल पथ पे आते हो तो यार इस चीज़ पे ध्यान देना कि आगे जाके आपको चार चार ब्रेकर मिलने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा आराम से चलना है यार, इसे भी पता है ये चीज़, तो आगे जाके वो धीरे कर लेगा। और भाई देख लेना इस चीज़ को ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि अगर आप हाई स्पीड में आओगे, ओ भाई ये देखिए ड्रिफ्ट आ रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पे चार ब्रेकर्स हैं, तो थोड़ा प्यार से ना, आराम से ना, और आराम से पार करेंगे हम लोग। और भाई यहाँ पे चार नहीं तीन ब्रेकर्स हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और थोड़ा आराम से आना, क्योंकि अगर हाई स्पीड में होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, मे बी यहाँ पे आपके ब्रेक्स ना लगे। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखना। भाई जो कंट्रोल उनको अपने बाइक पे है ना, वो अल्टीमेट है यार, मतलब बहुत तगड़ा वाला कंट्रोल है। और भाई को जो कमांड है वो कम्प्लीटली कमांड हो चुका है उनको अपने बाइक के ऊपर में, तो ये चीज़ ज़्यादा सही है। और देखो भाई क्या मज़े में चल रहे हैं, अभी जो भाई देख लो सनसेट होने वाला है वहाँ पे, तो रिएक्शंस जो मिलने वाले हैं वो अब यहाँ से चेक करना गाइस, दैट वाज गोइंग टू बी अल्टीमेट रियली। और ये देखिए ये रिएक्शंस है एक नंबर यार
क्यों हिला डाला ना? ओ भाई जबरदस्त जबरदस्त यार जबरदस्त, मतलब यहाँ पे तो अपने आप भाई एक मीम तो बनता है यहाँ पे रजनीकांत सर का, क्यों हिला डाला ना, लिटरली वही था यार। इधर हम लोग को आए हुए बहुत टाइम हो जाता है, सो नाउ इट्स टाइम टू रोल ऑन एलिवेटेड। और भाई मतलब एलिवेटेड पे अपने तीन मशीन हमारे पास, जो हमारी तीन मशीन है उनके साथ हम लोग चढ़ रहे हैं एलिवेटेड पे, तो थोड़ा मजा तो होने वाला है भाई एलिवेटेड पे, नो डाउट। अभी वाला राइड में ज़्यादा मजा आने वाला है, ऑल दो पीछे भी हमें बहुत मजा आया है बट अभी वाला जो राइड होगा उसमें बहुत मजा आने वाला है। और कुछ ऐसे रिएक्शंस मिल रहे हैं देख लो भाई बच्चे के। मैं एक चीज़ के लिए वॉर्न करना चाहता हूँ कि भाई सब कोई इंटरसेप्टर देख लेना, इंटरसेप्टर को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो फाइन कटेंगे। इंटरसेप्टर देखते चलिएगा, वो फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई इधर तो नंबर ही नहीं है, क्या फर्क पड़े, अब ये तो द वॉइस वाला मीम्स बन जाएगा। ये तो रील बन जाएगा द वॉइस वाला, नंबर ही नहीं है। और भाई मेरे बाइक पे अभी क्या हुआ है ना कि मैं आगे स्टिकर करवा रहा था बिहारी बाइकर का, चलान किसी को भी कटवाना होगा 0016062 इस पे भाई मोटा चलान आना चाहिए। तो भाई इधर भी नंबर है, मैं इधर से नंबर बता दूंगा कि यहाँ है नंबर, पहले ये चीज चेकआउट कीजिए भाई। बिहारी बाइकर का आर गायब कर दिया उसने, ये क्या हो गया भाई, ये बिहारी बाइक बिहारी बाइक हो गया भाई। चैनल को जल्दी से अनसब्सक्राइब कर दो क्योंकि बिहारी बाइकर ने अपना नाम बदल दिया है, जाके जल्दी से बिहारी बाइक को सब्सक्राइब कर। एक बार हेलमेट उतारना, एक बार हेलमेट उतारना, अटक गया इधर ही गई भाई। अनसब्सक्राइब के नाम से शक्ल एक बार देखो, एक बार भाई अब तो हेलमेट उतारना ही पड़ेगा, हेलमेट आ ही नहीं रहा बाहर। तो गाइस अभी अपना जो प्लान है वो हो चुका है कि लाइट अभी जो है वो थोड़ी सही है तो अभी हम लोग रील शूट कर सकते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है, कोई बात नहीं, जो आज का ब्लॉग है वो हम लोग आज यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। और बाकी क्या आने वाला है, बाकी भाई हमारे पास बहुत ही जल्द लीटर क्लास आने वाली है क्योंकि अभी हम इस मास्क को पहन के जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह। तो गाइस मतलब लीटर क्लास आने वाली है, तो अभी जो फोर व्हीलर का प्लान था वो कैंसिल नहीं हो सकता, वो अभी एक्सटेंड हो सकता है, पहले फोर। ओ भाई ये होना चाहिए। और भाई अभी बहुत जल्द हम लोग सुपर कार भी चलाने वाले हैं सुपर बाइक के बाद, kind of तो भाई मैं लूं या ना लूं बट मेरे सॉक्स तो यही लोग पूरे कर रहे हैं भाई, अपने जो रिच रिच फ्रेंड्स हैं। कोई रिच नहीं है भाई, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पर्स भी नहीं है, देख सकते हो। ओ भाई पर्स नहीं है बट आजकल फोन में ही सारा ट्रांजेक्शन होता है। वन प्लस एंड ये क्या है, वन प्लस की इधर क्या है, ये फ्रैगल। अच्छा फ्रैगल के ऊपर क्या है, भाई साहब प्रो है। और इसके पास तो भाई और भी बड़ा स्क्रीन है, कुबेर का खजाना। तो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, और गाइस मिलते हैं आपसे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड राइड हार्ड। और भाई जो भी चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।